दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो कि इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। आइए आप सभी को रेलवे स्टेशन का सुंदरता दिखाते हैं, कितना खर्चा लगेगा राम मंदिर जाने में। दोस्तों ये है रेलवे स्टेशन, सबसे बेहतरीन सबसे पवित्र स्थान है ये, जो कि ये देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास कितना साफ सफाई है। यहाँ टेम्पू स्टैंड है। जय श्री राम। दोस्तों सभी भक्तों से कहना चाहेंगे कि अयोध्या धाम नहीं आए हैं तो अयोध्या धाम एक बार जरूर आइए, राम जी के नगरी में आइए, राम जी का दर्शन कीजिए। यहाँ से ऑटो से जाते हैं तो मात्र 10 रुपये किराया है एक बंदे का। अगर नहीं जानकारी है तो आपसे 20 रुपये या 30 रुपये भी ले सकते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन से जाइए सरयू नदी, वहाँ से स्नान करके उसके बाद हनुमानगढ़ जाइए, बजरंग बली का दर्शन कीजिए, उसके बाद राम मंदिर का दर्शन कीजिए। वहाँ आप उसके बाद हर जगह मंदिर का दर्शन कीजिए। पहले यहाँ का सुंदरता देखिए, इस रेलवे स्टेशन का नंबर 1 में श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन है, उसके बाद अयोध्या धाम है, उसके बाद तो अभी नहीं बता सकते हैं कि अभी कौन कहाँ का स्टेशन सही है, लेकिन हम आए हैं अयोध्या राम जी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे राम जी का ये सवारी गिलहरी को देख सकते हैं आप लोग। कोई कहता है कि खरगोश है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कि गणेश जी का सवारी है, लेकिन नहीं, ये है राम जी का सवारी जो उनको आशीर्वाद दिए थे, ये गिलहरी है। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, रामायण में लिखा हुआ है, ये बोर्ड दिखा सकते हैं आप सभी को देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ये ये स्टेशन को बनाया गया है। पहले आप सभी को रेलवे स्टेशन दिखा रहे हैं, उसके बाद राम जी का नगरी दिखाएंगे। यहाँ से चलकर पहले गंगा जी का दर्शन कराएंगे, उसके बाद मंदिर का दर्शन कराएंगे। एक एक मंदिर का जानकारी आप सभी को हम देंगे। कहीं भी ऑटो से जाइए तो मात्र 10 रुपये किराया है, 10 रुपये किराया है। अगर हर जगह घूमते हैं तो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया लेंगे, यही ऐसे ही किराया है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक बंदे का खर्चा अगर देखा जाए तो मात्र 1000 रुपया किराया है, ज़्यादा यहाँ पे खर्चा नहीं है। एक दिन में आप लोग घूम सकते हैं। शाम को गाड़ी पकड़िए और सुबह उतरिए, और सुबह उतर कर गंगा स्नान कीजिए, उसके बाद मंदिर घूमिए, और शाम को गाड़ी पकड़िए और घर चले जाइए। एक दिन में आप लोग घूम सकते हैं। देखिए रेलवे स्टेशन का कितना सर सफाई है यहाँ पे है। अगर आपका ट्रेन सही समय पे है तो 2-3 घंटे पहले अंदर आप लोग जा सकते हैं, नहीं तो प्रशासन यहाँ अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि जब आपका टाइम हो जाएगा ट्रेन का तभी 2 घंटे के अंदर आपको अलाउ दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे यात्री हैं जो स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे 5 नंबर गेट पे टीटी और प्रशासन है जो वो टिकट चेक करेंगे आपसे। अगर टिकट नहीं दिखाइएगा तो अंदर नहीं जाने देंगे, अगर टिकट आपके पास है तो जाने देंगे। ये देखिए हम आप सभी को ये 3 मंजिला स्टेशन दिखा रहे हैं। देखिए ये आप लोग देख सकते हैं, ये 3 मंजिला स्टेशन है, ये लिफ्ट है। अगर इस पर आप लोग चढ़ रहे हैं, नहीं अगर चढ़ने आता है तो सीढ़ी से जाए, लिफ्ट से ना जाए। अभी अयोध्या धाम में रिमझिम बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। देखिए यहाँ पर सभी भक्त आकर यहाँ पे सोए हुए हैं, दर्शन करके आ गए हैं। देखिए कितना यहाँ साफ सफाई है यहाँ पे, हर स्टेशन को ऐसे ही रहना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सभी श्रद्धालु सोए हुए हैं, जब उनका टाइम हो जाएगा ट्रेन का तो अपने आप वो चले जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ 24 घंटा लिफ्ट चालू रहता है। आइए आप सभी सबसे बेहतरीन मस्त पंखा दिखाते हैं आप सभी को, चारों तरफ ये जो पंखा चल रहा है चारों तरफ हवा लग रहा है यात्री को, देख सकते हैं। पहले
लखनऊ में लगा हुआ था, अब अयोध्या भी लग गया है, कलकत्ता भी लगा हुआ है, बहुत सारे स्टेशन पर लग चुका है। दिखा रहे हैं जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को रेलवे स्टेशन दिखा रहे हैं, अब अयोध्या और मंदिर का हर जगह का दर्शन कराएंगे। वीडियो बन रहे, वीडियो को शेयर और लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें अपने मित्रों के पास, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। जय श्री राम दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। जय श्री राम।